दाल पतली कर दो बहू, तुम्हारे माता पिता आए हैं। रात के लगभग 8:30 बज चुके थे। निधि रसोई में रात का खाना बना रही थी और खाना लगभग बन भी चुका था, केवल दाल में तड़का लगाना ही बाकी था। वैसे भी आज उसने हल्के फुल्के दाल चावल ही बनाए थे। दोपहर में कुछ मेहमान आए थे, इसीलिए पनीर और छोले दोनों की ही सब्जी बनी थी, तो रात में हल्का फुल्का ही ठीक रहता है। अभी निधि यह सोच रही थी कि सास ममता जी ने रसोई में प्रवेश किया। बहू, शिल्पा के सास ससुर आने वाले हैं, फटाफट से खाना बना दो, कुछ बढ़िया सा बना देना, आखिर समधी आए हैं, कोई कंजूसी मत करना, ऐसा ना हो कि कल को शिल्पा को दो बातें सुननी पड़े। मैं जरा सोफे के कवर बदल देती हूँ। निधि के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही सास ममता जी बाहर चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि निधि सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन ममता जी की बात सुनते ही निधि को 10 दिन पहले की घटना याद आ गई और ना चाहते हुए भी उसका मन एक बार फिर से दुखी हो गया। दरअसल ममता जी की आदत है, वह अपने रिश्तेदारों का स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से करती है, लेकिन अक्सर जब निधि के घर से कोई भी आता है तो उन्हें उचित सम्मान नहीं देती हैं। जब भी निधि के घर से कोई भी आता है तो ममता जी अक्सर मुंह बना लेती हैं, कभी अच्छे तोहफे ना लाने का ताना देती हैं, तो कभी यह ताना देती हैं कि बेटी के घर यूँ रोज रोज नहीं आया जाता। कभी बची हुई मिठाई उनके आगे रख देती हैं, तो कभी कोई और ऐसी बात जो निधि को दुखी कर देती है। लेकिन पिछली बार तो हद ही हो गई, जब निधि के माता पिता अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के आ गए तो ममता जी ने दोबारा खाना न बनवाकर दाल को पानी डालकर पतला करने का आदेश दे दिया और दोपहर की पड़ी हुई सब्जियों में छौंक लगाकर गर्म करने को कह दिया, और रायते में तो वह खुद ही पानी डालकर चली गई। केवल खाने पीने में ही नहीं, अक्सर वह अपनी बातों से यह बता देती हैं कि निधि के परिवार में से किसी का भी यहाँ आना उन्हें पसंद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर उनकी बेटी के ससुराल से कोई आता है तो 36 तरीके के व्यंजन बनाए जाते हैं, उन्हें पूरा सम्मान दिया जाता है। आज भी जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के सास ससुर आने वाले हैं तो उन्होंने निधि को बढ़िया खाना बनाने का हुक्म दे डाला। हालांकि हर तरीके से ममता जी का व्यवहार निधि के प्रति बहुत अच्छा रहता है, लेकिन न जाने क्यों जब भी बात निधि के परिवार की आती है तो उनका व्यवहार बदल जाता है। बस यही सब सोचकर आज निधि की आंख भर आई। कहते हैं कि किसी के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, लेकिन शायद ममता जी यह बात समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए बार बार निधि के मायके वालों को अपमानित करके वह निधि को दुखी कर रही थी। लेकिन आज न जाने कहां से निधि में भी हिम्मत आ गई। अपने आंसू पोंछकर वह हॉल में आ गई और सोफे के कवर बदलती हुई ममता जी से बोली, मम्मी जी, दीदी के सास ससुर कब तक आएंगे, क्योंकि खाना तो लगभग बन ही चुका है। अरे, अभी तो तुझे बोलकर आई हूँ, इतना जल्दी खाना कैसे बन गया? मम्मी जी, वह क्या है ना, दाल चावल तो बन ही गए हैं, दाल में पानी डालकर उसे पतला कर देती हूँ, रायते में भी पानी डाल देती हूँ, और दोपहर वाली जो पनीर और छोले की सब्जी बची पड़ी हुई है ना, उसे भी थोड़ा सा फ्राई करके तड़का लगा दूंगी, और पूरियों का आटा तो दोपहर का बचा हुआ पड़ा ही है, तो एक्स्ट्रा खाना बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी आज ही तो कह रही थी ना उस दिन कि समधी तो घर के ही होते हैं, वह तो अपने ही होते हैं, वह थोड़ी ना बुरा मानेंगे अगर हम उन्हें दोपहर का खाना खिला देंगे। अब दोबारा खाना बनाएंगे तो दोपहर का खाना वेस्ट हो जाएगा ना। याद है मम्मी जी आपको, उस दिन जब मेरे मम्मी पापा आए थे तब आपने यही कहा था, तो फिर आज भी ऐसा करते हैं। दीदी के सास ससुर भी तो समधी ही हैं, घर के ही हैं, अपने ही लोग हैं, थोड़ी ना बुरा मानेंगे। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? निधि की कही हुई हर बात आज ममता जी को आईना दिखा रही थी और उन्हें यह एहसास करवा रही थी कि आज तक वो निधि के परिवार के साथ कितना गलत कर रही थी। शायद इसीलिए निधि से इतना सब कुछ सुनने के बाद
आज निधि से आंखें मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी गलती का एहसास होने पर गलती को स्वीकार ना करना यह ममता जी की फितरत नहीं थी। इसीलिए चंद ही मिनटों बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए निधि से कहा, बेटा सबसे पहले तो आज तक जो गलत व्यवहार मैं तुम्हारे परिवार के साथ करती आई हूँ उसके लिए मुझे माफ कर दे, और दूसरी बात मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जिस तरीके का व्यवहार शिल्पा के ससुराल वालों के साथ मैं करती हूँ, जिस तरह से उन्हें मान सम्मान देती हूँ, वही मान सम्मान और वही अपनापन अब से मैं तुम्हारे परिवार को भी दूंगी। देर से ही सही, लेकिन मुझ पर गुस्सा करके मुझे दो बातें सुनाकर सही राह दिखाने के लिए थैंक यू बेटा। दोस्तों, अक्सर यह देखा गया है कि लड़की वालों का व्यवहार लड़की वालों के प्रति अच्छा नहीं होता है, उन्हें उचित मान सम्मान नहीं दिया जाता है। जबकि जिस माता पिता ने आपको अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया है उनका सम्मान तो अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन फिर भी हमारा यह समाज न जाने क्यों उनकी अवहेलना कर बैठता है। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? यह कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।